किशोर आधिकारिक तौर पर सहपाठी द्वारा एक सवारी की पेशकश की। दिल्ली के पास चलती कार में गैंग रेप। कक्षा 11 के छात्र ने कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा में एक चलती कार में बलात्कार किया। वह अपनी स्कूल बस से चूक गई थी और घर चल रही थी। एक कक्षा के 11 छात्र को एक सहपाठी ने उठाया था, जिसने पिछले घर में दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक चलती कार के अंदर घंटों तक अपने घर छोड़ने और गिरोह से बलात्कार की पेशकश की थी। कुछ घंटों तक घूमने के बाद 3 हमलावरों ने उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया। 3 हमलावरों ने उसे कुछ घंटों के बाद सड़क के किनारे छोड़ दिया। लड़कों ने कथित तौर पर उसे दवाओं से पीड़ित होने के लिए मजबूर कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 वर्षीय लड़की ने पुलिस को बताया है कि वह पिछले बुधवार को अपनी स्कूल बस से चूक गई थी और अकेले घर चल रही थी, जब एक सहपाठी और उसके दोस्त ने अपनी कार रोक दी और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। लड़कों ने कथित तौर पर उसे ड्रग्स से पीड़ित पे और उसके साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया। उसने आरोप लगाया कि वह घबरा गया था। सड़क के एक निर्जन खिंचाव पर पुलिस ने बेहोश अवस्था में पुलिस द्वारा पाए जाने से कुछ घंटे पहले लड़की लापता थी। हमें लड़की के पिता से जानकारी मिली कि 18 अप्रैल को वह नहीं मिली और अपने बयान के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। हमने मुख्य आरोपी और एक और युवा को पकड़ा है, जबकि तीसरा अभी भी चालू है, रन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनिश कुमार ने कहा। इस साल बाल बलात्कार में देश भर में क्रोध के बीच यह नवीनतम घटना है। जनवरी के पहले सप्ताह में जम्मू कश्मीर के कथुआ में 8 वर्षीय गिरोह के बलात्कार यातना और हत्या के साथ शुरू हुआ। लड़की को स्थानीय मंदिर में रखा गया था। मारे जाने से पहले बार बार भूखे और बलात्कार किया गया था। कल हरियाणा से एक समान मामला उभरा। यमुनानगर जहां एक 13 वर्षीय लड़की के साथ मंदिर के 4 लोगों ने कथित रूप से बलात्कार किया था। सप्ताहांत मैं 3 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 4 नाबालिगों पर यौन हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर, अमरोहा और कन्नौज जिलों में 3 मामले दर्ज किए गए थे और मुजफ्फरनगर में 4th एक की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि रामपुर और अमरोहा में आरोपी किशोर थे 11 से 12 साल के बीच। कथुआ और उन्नाव बलात्कार के मामलों पर भारी सार्वजनिक चिल्लाहट के दौरान सरकार ने बाल बलात्कारियों के लिए मौत की सजा लाने के लिए एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कानून में संशोधन किया है।